अल्ट्रा कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ 900 मेगाहर्ट्ज फाइंड द रिक्वायर्ड सेंसिटिविटी ऑफ द मोबाइल रिसीवर। मोबाइल का जो रिसीवर है उसकी सेंसिटिविटी आपने फाइंड करनी है। सेंसिटिविटी मींस द रिसीव पावर एट द मोबाइल स्टेशन। एज्यूम दैट द रिसीविंग एंटेना हैज यूनिटी गेन। तो पूरे इसमें क्या आपको ट्रांसमीटर की गेन मिली है, एंटेना हाइट की गेन? हाँ बिल्कुल, पीटी जीटी तो वो मौजूद है आपके पास। तो EIRP इज इक्वल टू PT इंटू GT। तो कर्व्स फॉर मीडियन अटेनुएशन इन अर्बन एरिया रिलेटिव टू फ्री स्पेस इन अर्बन एनवायरनमेंट विद द स्टैंडर्ड बेस स्टेशन एंटेना हाइट ऑफ 200 मीटर एंड स्टैंडर्ड मोबाइल एंटेना हाइट ऑफ 3 मीटर आर गिवन इन फिगर 1। सिमिलरली अक्यूमुरा कर्व्स फॉर करेक्शन फैक्टर जी एरिया फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरेन आर आल्सो गिवन इन फिगर 2। एंटेना गेन फैक्टर्स फाउंड इन अक्यूमुराज मॉडल कैन बी कैलकुलेटेड एज। सो यू हैव बीन गिवन द फार्मूलाज फॉर एंटेना गेन करेक्शंस, बट दिस कॉन्सेप्चुअल फार्मूला फॉर 50th percentile वुड नॉट बी गिवन टू यू इन एग्जाम, क्योंकि ये तो वैसे ही देखने से ही याद हो जाता है। कहाँ से हम शुरू करें इस क्वेश्चन को, इस अगर प्रॉब्लम को सॉल्व हमने करना है? आपके पास वैल्यूज मौजूद हैं, फ्री स्पेस लॉस से शुरू कर सकते हैं हम, मगर फ्री स्पेस लॉस के केस में गौर करें कि आपके पास जो फ्री स्पेस लॉस का फार्मूला है, असल में बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर उस वक्त उनको समझ नहीं आ रही होती कि इसमें कुछ डाटा मिसिंग है, तो बार बार पूछ रहे होते हैं डाटा मिसिंग है। डाटा मिसिंग नहीं होता, वैसे इस न्यूमेरिकल में कोई डाटा मिसिंग नहीं है, मगर जब वो फ्री स्पेस लॉस का फार्मूला लगाएंगे, क्या फार्मूला है उसका, -10 log ऑफ पी टी ख़त्म हो गया बीच में से, अगर फ्री स्पेस लॉस का है, क्योंकि पी टी यूटिलाइज हो गया, तो GT GR लैम्डा होल स्क्वायर 4π होल स्क्वायर और D² एक ये फार्मूला। क्या आप इसे यूज़ कर सकते हैं यहाँ से? GT नहीं है आपके पास, मगर GT अगर नहीं भी है तो आपके पास कुछ और वैल्यूज मौजूद हैं, और वो कौन सी वैल्यू मौजूद है? EIRP। EIRP क्या है? PT GT ये आपके पास मौजूद है, मगर आपके पास इसमें EIRP तो है, ये 1 उसके बराबर हो जाएगा, तो ये कितना है, 1 kW, तो 1 kW के इक्वल, तो PT GT आपके पास 1 kW के इक्वल है। अगर हम GT इज इक्वल टू 1 के साथ पाथ लॉस फाइंड करेंगे, तो सेंसिटिविटी बेसिकली क्या है, क्योंकि अगला क्वेश्चन देखें, एक तो मीडियन पाथ लॉस आपने फाइंड करना है, वो तो समझ लें कि आप फाइंड कर लेंगे। लेट्स से कि आपके पास L50 की वैल्यू फाइंड हो गई, आपके पास आ गया, ये वैल्यूज आपके पास आ गई, तो जो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है
कि फाइंड द रिक्वायर्ड सेंसिटिविटी ऑफ द मोबाइल रिसीवर दैट वुड बी एट द बाउंड्री ऑफ द सेल. तो सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी मीन्स रिसीव्ड पावर, रिसीव्ड पावर. तो रिसीव्ड पावर और पाथ लॉस के दरमियान कोई रिलेशनशिप लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी. पाथ लॉस बेसिकली क्या है? पीटी, पाथ लॉस इज इक्वल टू पीटी डिवाइडेड बाय पीआर, रिसीव्ड पावर. एक न्यूमेरिकल भी हमने किया था इस तरह का लास्ट क्लास में, बल्कि मैंने ये भी कहा था कि न्यूमेरिकल का कुछ डाटा हम उस हेटा मॉडल के ज़रिए भी उसको करेंगे, उसको अपने पास रखना है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वैल्यू डीबीएम में है या जिसमें भी है, ये डीबी में है तो ये रिसीव्ड पावर है. अगर मेरे पास पास लॉस की वैल्यू आ जाए तो फिर मुझे क्या फाइंड करना है? सेंसिटिविटी क्या होगी? पीटी तो सेंसिटिविटी नहीं होगी, यानी रिसीव्ड पावर, द मिनिमम ये रिसीव्ड पावर और इज नोन एज सेंसिटिविटी. तो मिनिमम रिसीव्ड पावर कहाँ पर होगी? व्हेन द मोबाइल वुड बी एट द बाउंड्री ऑफ द सेल, तो वहाँ पर उसे कम से कम मिलेगी. क्योंकि अगर थोड़ा सा वो आगे जाएगा तो रिसीव्ड पावर सेंसिटिविटी लेवल से कम हो जाएगी, तो वो तो दूसरे बेस स्टेशन में चला जाएगा, क्योंकि उसे तो दूसरे बेस स्टेशन में फिर हैंडओवर करना चाहिए. तो इसलिए वहाँ पर सेंसिटिविटी पर ही मोबाइल ऑपरेट करेगा, बाउंड्री पर. ठीक है, चलें, बाउंड्री पर वो सेंसिटिविटी के लेवल पर ऑपरेट करेगा. ये तो क्लियर हो गया. तो इसका मतलब रिसीव्ड पावर बाउंड्री पर उसे सेंसिटिविटी लेवल पर मिलेगी. अब पीएल भी आपके पास है, पीआर आप फाइंड करना चाहते हैं, तो पीटी आपके पास होना चाहिए. अब गौर करें कि पीटी यहाँ भी है और पीटी वहाँ भी है, यानी यहाँ पर आपके पास पीटी इंटू जीटी है. तो इसका मतलब है कि आप एल एफ इन टर्म्स ऑफ पीटी ले सकते हैं. तो जब आपने एल एफ इन टर्म्स ऑफ पीटी ले लिया तो आप फिर एल फिफ्टी आपके पास इन टर्म्स ऑफ पीटी आ जाएगा, तो ये इन टर्म्स ऑफ पीटी होगा. ठीक है, तो वो पीटी वैसे ही उससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लायर होगा उसके साथ, क्योंकि पी एल तो पी आर आपके पास क्या आ जाएगा? पी आर की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, तो ये पी एल हो जाएगा. तो पी एल इन टर्म्स ऑफ पीटी होगा, तो पीटी की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी. ठीक है, थोड़ा सा इस तरह के न्यूमेरिकल्स की तरफ गौर करें कि डाटा अगर कहीं मिसिंग हो तो वो डाटा कहाँ हो सकता है और उसका यूज कहाँ किया जा सकता है. क्योंकि फील्ड में आपको जो प्रॉब्लम्स पेश आते हैं तो इसी तरह की प्रॉब्लम्स होंगे जिनको आपने टैकल करना है. मसला फार्मूलों का नहीं होता, फार्मूले आपके पास फील्ड में होते हैं, मसला स्ट्रेटेजी का होता है, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाना. ठीक है, क्लियर हो जाएगा. अगर यहाँ पर इन केस आपके पास कोई वैल्यू आती है, मसलन ये इन टर्म्स कैसे आ सकता है? जी टी इज इक्वल टू 1 kW डिवाइडेड बाय पी टी. ठीक है, तो उसका यूज़ तो वो लॉग के साथ आखिर तक चलती रहेगी, और जो भी लॉग होगा उसके साथ वो चलती रहेगी. तो वो लॉग की जो वैल्यू होगी वो आखिर में जब आप उसे लीनियर स्केल पर लाएंगे, चाहे लॉगरिथमिकली ले आएँ, तो वो लीनियर स्केल पर मल्टीप्लाई हो जाएंगी वैल्यूज़. तो मल्टीप्लाई पी एल के अंदर वो होगी तो वो कैंसिल हो जाएगी ऊपर वाली वैल्यू से.
क्योंकि लॉगरिथमिक के अंदर जो वैल्यूज आपस में ये एड अप हो रही हैं, तो असल में तो मल्टीप्लाई हो रही हैं। बाकी आप कर्व से वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो कर्व से आप बाकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। दूसरा, चूंकि पी टी वैसे ही कैंसिल हो जाना है रेशो के अंदर, गौर करें, पी टी कैंसिल हो जाना है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं पी टी को 1 वाट रख दूं, क्योंकि उसकी तो कोई इम्पोर्टेंस अब नहीं रही, असल इम्पोर्टेंस तो जी टी की है, ठीक है ना, तो अगर मैं पी टी को 1 वाट रख लूं तो वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 1 वाट रख दूं तो सीधा सीधा पी आर 1/PL आ जाएगा, क्योंकि कैंसिल उसने वैसे भी होना है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन भी इसी काम के लिए यूज होती है। क्लियर हो गया ये? यानी जो भी आप पी टी, अगर पी टी 1 वाट रख लेते हैं तो जी टी आपके पास 1 किलो में आ जाएगा, ठीक है। 1 किलो मीन्स 1000, तो जी टी अगर 1000 है तो 1000 आप जस्ट जी टी की जगह पर यूज कर। अगर आपने जी टी इज इक्वल टू 1 कंसीडर कर लिया और पी टी 1 किलो हो जाएगा, तो वहां 1 किलो डिवाइडेड बाय वो कर लेना, ठीक है, तब भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। स्ट्रेटजीज, यानी क्वेश्चन को समझना, अगर आपको प्रॉब्लम की समझ आती है, क्वेश्चन को सिचुएशन की समझ आती है, बस ये काफ़ी है, बहुत, यानी क्वेश्चन को समझना पार्ट ऑफ द असेसमेंट होता है। अगर आपने कॉन्सेप्चुअल स्टडी के साथ कोई कोर्स पढ़ा है तो तब आपको क्वेश्चन की बिल्कुल समझ आ रही होती है, उसकी स्ट्रेटजी आप डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी जो इस लेवल पर कोर्स है, एमएस के लेवल पर या रिसर्च के लेवल पर जो कोर्स है, वो सिर्फ ये नहीं होता कि बस आपको फार्मूला गिवन हो और आप बस उसमें वैल्यूज़ लगाएं और आंसर लें, ठीक है, ये तरीका नहीं। स्ट्रेटजीज डेवलप करना वो इम्पोर्टेंट है। मज़ीद इसको बोर्ड पर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। So Akiyomura's model summary can be described as, the Akiyomura's model is wholly based on measured data. So on the measurements it is based. Interpolation can be made inside the curves. Maslan kuch curves 2 kilometer ke liye hain, phir 3 kilometer ke liye hain, फिर उसके बाद 5 किलोमीटर का कर्व है, अब 4 किलोमीटर का कर्व नहीं है, तो इंटरपोलेशन करके आप 4 किलोमीटर का कर्व खुद बना सकते हैं उसमें, और उसकी बेसिस पर डाटा ले सकते हैं। दैट इज़ नोन एज इंटरपोलेशन विद इन द डाटा, मिसिंग डाटा के लिए आप कर सकते हैं। बट व्हेन समथिंग इज़ रिक्वायर्ड आउटसाइड द डाटा, देन यू विल हैव टू मेक एक्स्ट्रापोलेशंस। मसलन जो कर्व्स हैं AMU के, वो 100 किलोमीटर्स तक की रेंज के लिए हैं, मगर अगर हम 120 या 150 किलोमीटर्स को देखना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ द डाटा, कि कैसा इंक्रीज कर रहा है डाटा, तो उसके मुताबिक आप एक्स्ट्रापोलेशन का कर्व डेवलप कर सकते हैं। मसलन AMU का आपके पास है ये रिज़ल्ट, तो मैक्सिमम आपके पास 100 का मिल रहा है, इसका मतलब है आप एक्स्ट्रापोलेशन कर सकते हैं, मगर ऐसी एक्स्ट्रापोलेशन नहीं कर सकते कि बहुत ही ऊपर आप लाइन लगा दें,
आपको डेटा के ट्रेंड के मुताबिक एक्सट्रापोलेशन करनी होगी और वो अप्रोक्सीमेट होगी, तो वो की जा सकती है। सो एक्सट्रापोलेशंस कैन बी मेड टू ऑब्टेन द वैल्यूज आउटसाइड द मेजरमेंट रेंज। दिस मॉडल इज सिंपलेस्ट एंड द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ सिंप्लिसिटी एंड एक्यूरेसी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक्यूरेसी तो ठीक है, इससे ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी शायद अचीव की जा सके, मगर सिंप्लिसिटी बहुत ज़्यादा है। आपको कोई और एनालिसिस नहीं करना, सीधा सीधा आपने बस कर्व्स को देख के और अपना डाटा उसमें डाल के आपने वैल्यूज़ निकालनी है। तो काफ़ी सिंपलेस्ट मॉडल है, एंड दैट इज़ द रीज़न दैट स्टिल दिस मॉडल which was developed in 1960s, it is still in use in the cellular market. Yani ab tak ye use hota hai aasani ki wajah se, kyunki jo analytical models hain usme aapko badi theories pe jana padta hai, jaise last model hamara wo isse zyada acha hai, jaise log normal shadowing model। मगर वजह यह है कि उसमें आपको गॉशियन की थ्योरी, फिर क्यू फंक्शंस, फिर ये वो बड़ी थ्योरीज़ के साथ आपको स्ट्रेटेजी सेट करनी है और आपको एक बेस स्टेशन या सेल डिज़ाइन करना है, मगर उसकी निस्बत ये काफ़ी सिंपल है। सो इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट मॉडल, एंड द मेजर डिसएडवांटेज it gives a decreased accuracy in situation of rapid changes in terrain। मसलन पिंडी के लिए ये ज़्यादा अच्छा मॉडल नहीं है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा खाइयाँ आती हैं, लई के आसपास जो लोग रहते हैं उनको आप बड़ी मुश्किल से ही मॉडल कर सकते हैं, क्योंकि जैसे लई गुज़रती है। तो यानी इस मॉडल के कुछ अपनी शॉर्टकमिंग्स हैं, और चूंकि ये जापान के प्रोपेगेशन एनवायरनमेंट के लिए इसको मॉडल किया गया था, तो ज़्यादा करेक्शंस भी हमें वहाँ उस के मुताबिक मिलती हैं। मसलन लैंड सी पैरामीटर्स के लिए करेक्शंस हैं, फिर आइसोलेटेड रिज हाइट्स के लिए करेक्शंस हैं, जो इस्लामाबाद को काफ़ी रिप्रेजेंट करती हैं, जिसमें आइसोलेटेड रिजेज हैं, जैसे मसलन सऊदी पाक टावर है, सेंटोरस की बिल्डिंग्स हैं, ये स्वीयर डिफ्रैक्शन लॉस देती हैं। तो ख़ास तौर पर जो इस तरह की टेरेन आती है, जो मिक्स सी टेरेन होती है जिसमें सडन चेंजेस आती हैं हाइट्स के अंदर, उसके लिए ज़्यादा अच्छा मॉडल ये नहीं है। इसके अलावा एक और इसका प्रॉब्लम ये है कि ये 1 किलोमीटर रेडियस के लिए और 100 रेडियस की रेंज के लिए कैलकुलेशंस हैं। एक्सट्रापोलेशन तो हम कर सकते हैं बिलो 1 किलोमीटर रेंज, मगर उसके लिए फिर ये डिक्रीज्ड एक्यूरेसी देता है, बहुत एक्यूरेसी इसकी ज़्यादा अच्छी नहीं है इस मॉडल की। माइक्रो सेलुलर सिस्टम्स के लिए फिर हम इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। एक और इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये कि कहीं भी मोबिलिटी को मॉडल ये नहीं करता, क्योंकि जब एनवायरनमेंट में मोबिलिटी बहुत ज़्यादा हो और फेडिंग बहुत ज़्यादा हो, सिग्नल तेज़ी के साथ फेड हो रहा हो, स्मॉल स्केल फेडिंग इज़ नाउन एज फेडिंग, तो स्मॉल स्केल फेडिंग को फिर इसमें मॉडल ज़्यादा अच्छा नहीं किया जा सकता, और हमें डिटर्मिनिस्टिक वैल्यूज़ पे रहना होता है, यानी कांस्टेंट एवरेज वैल्यूज़ पे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यानी परसेंटेज ऑफ द कवरेज टाइम को इसमें मॉडल नहीं किया जा सकता, जो हमने लॉग नॉर्मल शेडोइंग में मॉडल किया था। तो इस हवाले से फिर ये अच्छा मॉडल नहीं है, मगर एज वी कैन कंसिडर the simplicity, then this is the one of the best models। जी जी जी, वो सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, उस फ्रीक्वेंसी प्लानिंग सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। तो बस आप अपने एरिया का आप उसमें, वो तो बल्कि गूगल अर्थ
की वैल्यूज़ वहाँ एंडुलेशन हाइट्स की वैल्यूज़ निकाल के वो सॉफ्टवेयर तो जियोग्राफिकल लोकेशंस के मुताबिक वो आपको बेस स्टेशन की हाइट्स बता देता है कि आपको पाथ लॉस कितना मिलेगा। उस तरह के सॉफ्टवेयर में से एक सॉफ्टवेयर है जो एक दफ़ा ज़रा कोशिश भी हमने की थी कि अपनी लैब के लिए उसे अरेंज कर सकें, बहरहाल काफ़ी महंगा सॉफ्टवेयर है, तो UTRA प्लान। UTRA जो UTMS उसके लिए यानी है, तो ख़ास तौर पर थर्ड जनरेशन 3G के जो सेलुलर डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है। Now the next model, that is the HETA model. HETA model is basically empirical formulation of Akiyomura's model. Akiyomura के जो curves हैं उनकी empirical formulation की गई, यानी उनको formulas में वो set करने की कोशिश की गई, मगर उसका एक छोटा सा problem भी उस वजह से पैदा हुआ। मसलन अगर एक curve है उसका response हमारे पास यूँ जा रहा है Akiyomura का, तो 15 या 1400 मेगाहर्ट्ज तक तो रिस्पांस ऐसा है कि जो हो फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला के अंदर फिट हो गया, मगर इसके बाद कर्व ने अपना रिस्पांस ज़रा चेंज कर दिया। अब लाजमी बात है कि यानी आप एक ही फार्मूला के साथ पूरे कर्व को वो फिट नहीं कर सकते, तो फिर इसलिए इसकी रेंज ज़रा कम हो गई है जो HETA मॉडल की है। तो HETA मॉडल की रेंज 150 मेगाहर्ट्ज़ से 1500 मेगाहर्ट्ज़ तक है, क्योंकि बियॉन्ड 1500 मेगाहर्ट्ज़ ये प्रॉपरली Akiyomura के कर्व्स को फॉलो नहीं करता, इसके जो इक्वेशंस हैं तो डिक्रीज्ड एक्यूरेसी उसमें हमें मिलती है। So the curves from Akiyomura's model were replaced by empirical formulas. मैंने पहले भी बताया था कि empirical formulas just curve को fit करने के लिए, तो उसमें कोई reasoning नहीं है। मसलन अगर कहीं पर d raised to power 2.6 है तो है, उसकी कोई reasoning नहीं है, just curve को fit करने के लिए formulae बनाए गए हैं। And these formulas are valid from 150 to 1500 megahertz. It presents an urban area propagation loss as a standard formula. The same, because Akiyomura's main curve AMU presents urban areas path loss as the standard curve. तो उसी तरह इसका जो फार्मूला होगा वो स्टैंडर्ड। उसके बाद हम वहाँ से गेंस माइनस करते हैं, करेक्शंस करते हैं, क्योंकि जो गेंस हैं करेक्शंस हैं वो बेसिकली उस स्टैंडर्ड फार्मूला से फिर रिलेट करते हैं। जैसे अगर हमें ओपन एरिया का एक गेन मिलता है तो हम उसमें से फिर माइनस करते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह इसने स्टैंडर्ड वो दिया है और उसके बाद आप फिर माइनस कर सकते हैं, मगर इसने हर चीज़ के लिए कोई कर्व देखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ फार्मूले हैं। एंड करेक्शंस इक्वेशंस फॉर एप्लीकेशन टू अदर सिचुएशंस आर आल्सो देयर। ये उसका उसकी मेन इक्वेशंस हैं, इसमें 69.55 है, 69.56 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कर्व को फिट किया गया है, एम्पिरिकल है, क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग इसकी नहीं है। तो इसमें आप गौर करें कि हमारे पास FC कैरियर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उसकी वैल्यू होगी, फिर उसके बाद हाइट ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटेना वो होना चाहिए, रिसीविंग एंटेना हाइट होनी चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि जो चेंज हो सकती हैं किसी भी सेल के लिए। इसी तरह
डिस्टेंस यानी रेडियस ऑफ द सेल, ये चार चीज़ें अगर आपके पास हैं तो बस आप पाथ लॉस फाइंड कर लें। तो उसके लिए कोई कर्व देखने की ज़रूरत नहीं, सारे कर्व्स को उसने एक ही फार्मूला के अंदर रिप्लेस कर दिया है। मगर ख़ास बात कि एफ सी कैरियर फ्रीक्वेंसी दैट शुड बी इन मेगा हर्ट्स जब आप इसमें रिप्लेस करें। मसलन अगर 1200 1.2 गीगा हर्ट्स है तो उसे 1200 आप इस फार्मूला में प्लेस करेंगे, यानी इनटू 10 रेज टू पावर 6 नहीं लिखेंगे बल्कि मेगा हर्ट्स में वैल्यू होनी चाहिए आपकी। डिस्टेंस मीटर में नहीं होना चाहिए, डिस्टेंस शुड बी इन किलोमीटर जब आपने प्लेस करना है। तो एंटेना हाइट्स वो मीटर्स में होंगी मोबाइल की भी और बेस स्टेशन की भी, और रेंज उसी तरह है कि अगर आप 30 to 200 मीटर के अंदर अंदर बेस स्टेशन की एंटेना हाइट रखेंगे तो आपका आंसर ज़्यादा एक्यूरेट होगा, आपकी आपका जो पाथ लॉस आएगा। और अगर इस रेंज से जितना दूर होता जाएगा तो एक्यूरेसी उसकी कम होती जाएगी। ठीक है, कुछ ना कुछ आपकी वैल्यू आएगी मगर एक्यूरेसी उसकी कम होगी। इसी तरह रिसीव एमएस एंटेना हाइट फ्रॉम 1 to 10 मीटर्स, तो आप जस्ट उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। और डीआर, डी इज़ द टीआर सेपरेशन, ट्रांसमीटर रिसीवर सेपरेशन, और ए एच आर ई इज़ द करेक्शन फैक्टर ऑफ द एमएस। तो इसमें थोड़ा सा मसला है कि इसमें उसने फिर कवरेज एरिया के साइजेस दे दिए हैं। मसलन अगर आप बहुत बड़े लार्ज सिटी में रहते हैं तो आपका रिसीविंग एंटेना का जो करेक्शन फैक्टर है वो डिफरेंट होगा फ्रॉम मीडियन और स्मॉल साइज सिटी। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि जब आप लार्ज सिटी में मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आसपास आपके बहुत अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो मूवमेंट ज़्यादा है तो उसकी वजह से पाथ लॉस ज़्यादा हो जाएगा, और स्मॉल और मीडियम साइज सिटीज़ में कम होगा। तो उसकी चूंकि काफ़ी डिस्क्रिपेंसी ज़्यादा आ रही थी इसलिए उसके अलग अलग फार्मूले बना दिए गए, बाकी सीधा है। नहीं, ये फार्मूला आपको एग्ज़ाम में दिया जाएगा, यानी एम्पिरिकल फार्मूलाज मैं नहीं याद करवाऊँगा, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स वो आपको याद करने हैं मगर इस तरह के फार्मूलाज नहीं, ये आपको एग्ज़ाम में गिवन होंगे। करेक्शन फैक्टर्स भी आपको एग्ज़ाम में गिवन होंगे, जैसे मसलन ये जो आपके पास पेज है तो ये बेसिकली एक एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, इसमें आप देखें ये करेक्शन फैक्टर दिए हुए हैं यानी फार्मूलाज, और साथ ये भी दिया हुआ है कि किस कितनी एंटेना हाइट के लिए है कौन सी चीज़। तो ये याद करवाने की ज़रूरत नहीं है मगर बाकी इसका रिज़ल्ट, इस बावजूद ये फार्मूले देने के, तो इस क्वेश्चन का रिज़ल्ट बड़ा ही वीक था, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया इसे, क्योंकि इसमें जो सबसे पहला जो मसला था वो ये कि इसमें मिसिंग है कुछ। तो ये रिसीविंग एंटेना हाइट्स के करेक्शन फैक्टर्स, तो स्मॉल टू मीडियम साइज सिटी उसके लिए वो फार्मूला है, और लार्ज सिटी के लिए ये है, और फिर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंजेस के लिए, क्योंकि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंजेस इसलिए हैं क्योंकि 300 मेगाहर्ट्ज़ से फिर जब हम यूएचएफ में दाखिल होते हैं तो बिहेवियर ज़रा चेंज हो जाता है काफ़ी, तो वेवलेंथ चेंज हो जाती है तो फिर उसके साथ बिहेवियर काफ़ी चेंज हो जाता है, इसलिए दो फार्मूलाज उसने दे दिए। इसी तरह जो सब अर्बन और ओपन रूरल एरियाज़ के लिए, तो L50 की वैल्यूज़ करेक्शन फैक्टर्स हैं, ये तो आप फाइंड करेंगे जो पिछली कैलकुलेशंस हैं उसके बाद फिर आप ये गेन फैक्टर उसमें से माइनस कर देंगे अगर रूरल एरियाज़ के लिए है, और अगर
सबर्बन एरिया के लिए है, मसलन इस्लामाबाद वुड बी मॉडल्ड इन सबर्बन एरिया, अगर इस्लामाबाद, और अगर कराची का वर्ड आता है कहीं पर तो साथ नहीं लिखा होगा कि ये कौन सा ये है, तो वो अर्बन होगा, ठीक है ना, वो बैड अर्बन, बिल्कुल जितना बैड अर्बन हो सकता है तो उतना बैड अर्बन, तो वो बैड अर्बन है, या अर्बन, डेंस अर्बन, डाउनटाउन अर्बन, कई नाम हैं उसके। हाँ, क्वेश्चन के अंदर 1500 के अंदर होगी, बिल्कुल, क्योंकि 1500 के बाद ये फार्मूला अपनी एक्यूरेसी कम कर देता है, इसलिए उसकी रेंज में आपको एक्सट्रापोलेशन करने के लिए नहीं दिया जाएगा। नहीं तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में इसको नहीं यूज़ किया जाता फिर, या तो कर्व्स को यूज़ किया जाता है मसलन 1800 के लिए, और या फिर एनालिटिकल मॉडल्स को यूज़ किया जाता है, तो प्रैक्टिकल सिचुएशन ये नहीं। फिटिंग के लिए जो एन को लिमिट कर दिया गया, ये कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा बढ़ ना जाए इस वजह से, नहीं नहीं, फेडिंग के लिए रेंज को, ये फ्रीक्वेंसी रेंज 1500 के लिए, ट्यूमर आपको हम कहते हैं कि 1500 से आगे हम फेडिंग करते ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, अक्यूमुरा को तो यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसके तो कर्व मौजूद है ना, वो तो साइलेंस, देखें ये एक्यूमुरा के जो कर्व्स हैं वो 150 मेगाहर्ट्ज से 1950 मेगाहर्ट्ज तक करेक्ट रिजल्ट, अप टू सम एक्सटेंट वो करेक्ट रिजल्ट एक्यूरेसी एक जैसी रखते हैं, उसमें मसला नहीं है कर्व्स में, क्योंकि कर्व्स तो ले लिए गए, जैसे बिहेवियर उसका बनता है कर्व्स तो उसके साथ साथ चलते हैं। असल में हेटा कर्व के इस हिस्से को उस फार्मूला के अंदर फिट नहीं कर सका, मसलन वो एक एक कर्व के लिए अगर डिफरेंट ट्रेंड होंगे तो फार्मूला तो उसका नहीं आ सकता ना, अगर ट्रेंड उसका एक होगा तो फार्मूला आएगा, तो वहाँ तक ट्रेंड एक था बिहेवियर, उसके बाद बिहेवियर चेंज हो रहा था, अब या तो उसे दो फार्मूले लिखने थे कि ये फार्मूला इतनी रेंज के लिए एप्लीकेबल है वो उतनी, मगर इसके अंदर फिर दो फार्मूले आगे बनते थे, तो फिर उसने उसका ख़त्म कर दिया कि बस, और जितने भी फ्रॉम MTS टू IMTS इम्प्रूव्ड मोबाइल टेलीफोन सर्विसेज, और फिर उसके बाद एम्स, और फिर उसके बाद 2G IS 54 IS 95 और GSM, इन सब में जो फ्रीक्वेंसी रेंज यूज़ हुई है दैट वाज बिलो 1500, यानी 900 मेगाहर्ट्ज़, इसी तरह 800 मेगाहर्ट्ज़, 850 मेगाहर्ट्ज़ और सो ऑन। मगर फिर DCS को जब GSM में शामिल किया गया तो फिर रेंज 1800 वाली शामिल हो गई, ठीक है, इसलिए ये काफ़ी हद तक मसलन 90s तक और फिर 2000 तक ये हेटा मॉडल भी फिट था, मगर उसके बाद अब नहीं। UMTS में तो बल्कि जो यूनिवर्सल मोबाइल टेलीफोन सिस्टम्स हैं 3G है, तो उसमें इन दोनों मॉडल्स को ज़्यादा नहीं यूज़ किया जा सकता, मगर किसी हद तक प्लानिंग के लिए फिर हम यूज़ उसे कर सकते हैं, क्योंकि UMTS में ज़्यादा मॉडल्स वो 1 किलोमीटर से कम रेंज के बेस स्टेशन यानी सेल रेंजेस हैं, तो 1 किलोमीटर से जब कम के हमारे पास सेल रेंजेस आती हैं फिर ये मॉडल ज़रा ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं रहते, तो मगर इनको साथ इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि GSM में यूज़ हो रहे हैं, और शायद किसी कंपनी में आपको काम कभी करना पड़ जाए, कुछ अरसे बाद इनको शायद हम छोड़ ही दें। जी ये जो है ये प्योर मेजरमेंट्स के बेस्ड, हाँ प्योर मेजरमेंट्स, बिल्कुल, तो मतलब किसी ने 1 किलोमीटर से नीचे के लिए मेजरमेंट, नहीं नहीं, उसके बाद तो बहुत सारे इसमें ये जब कर्व 1968 में अक्यूमुरा के पब्लिश हुए उसके बाद लोगों ने इस पे रिसर्च करनी शुरू कर दी, पता नहीं कितनी PhDs इन कर्व्स पर हुई होंगी, क्योंकि इस कर्व्स में इतना हिस्सा ऐड करके
यानी उसको 1 किलोमीटर से कम रेंजेस के बना यानी बनाने एक्सटेंशन उनकी करने पर, किसी ने कोई एक्सटेंशन की, किसी ने कोई एक्सटेंशन की, वो सारी एक्सटेंशन लिटरेचर के अंदर मौजूद हैं, वो यूज़ की जा सकती हैं। यानी इवन के वाईफाई को भी मॉडल करने के लिए इन कर्व्स का किसी तरीके से यूज़ किया गया। रिसर्च मसलन रिसर्च के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर लोग काम करते हैं और लोगों ने काम किया, मगर उसके बाद फिर एनालिटिकल यानी रीजनिंग पर काम शुरू हुआ ताकि प्रॉपर मॉडल किया जा सके, एजम्पशंस को लूज किया जा सके, डॉपलर शिफ्ट को इंक्लूड किया जा सके, तो उस पर प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोचेस पर ज़्यादा काम शुरू हुआ। मसलन जैसे रेले मॉडलिंग, राइसियन मॉडलिंग, फिर उसके बाद नाकागामी एम फेडिंग, और इस तरीके से फिर बाद में चीज़ों को मॉडल किया गया, तो वो मॉडलिंग अप्रोचेस ज़्यादा रिसर्च के अंदर कामयाब हुई हैं। तो मगर कर्व्स ऐसे हैं जिन्होंने 500 से भी कम रेंजेस तक लेके आए हैं इन कर्व्स को, तो इस पर रिसर्च काफ़ी हुई है। तो वो हमें 70s के ज़माने में और 80s के ज़माने में ऐसी रिसर्चेज मिलती हैं, मगर उसके बाद फिर इससे अटेंशन डाइवर्ट हो गई, दूसरी तरफ चली गई। सो हेटा मॉडल सिंपल एंड सफिशेंटली एक्यूरेट मॉडल एज फार एज द रेंज इज कंसर्न्ड, एंड इट प्रेजेंट्स सिग्निफिकेंट प्रैक्टिकल वैल्यू, कंपेयर्स वेरी फेवरेबली विद अक्यूमुराज मॉडल बिकॉज these formulas have been derived from Akumura's model, so it can compare favorably with Akumura model. मसलन वो जो numerical हमने last time किया था तो उसको आप Hatta के model के ज़रिए check भी कर सकते हैं, बहुत कम थोड़ी discrepancy आपको मिलेगी, क्योंकि curve को model ही इन formula पर किया गया है। These formulas are suitable for large cell mobile system planning. लार्ज सेल यानी 1 किलोमीटर से बियॉन्ड, एक्सटेंशंस एंड करेक्शंस फॉर स्मॉलर सेल्स आर अवेलेबल इन फर्दर रिसर्च, वो हैं जो 70s में जो रिसर्च हुई है उसमें ये सब मौजूद हैं। एंड दिस वॉज द लास्ट टॉपिक। Now the next topic, that is the small scale fading or multipath channel. इस टॉपिक पर जाने से पहले कुछ अंडरस्टैंडिंग हम जरा डेवलप करते हैं। कोशिश मैं करूंगा कि आपको ट्यूसडे को पिछले जो क्विज़ की फीडबैक आपको मिल जाए, तो मगर हम अगला जो क्विज़ है तो उसे एडजस्ट कर सकते हैं अभी से, तो वो आपके लिए जितना अर्लियर हो जाए तो वो आपके लिए अच्छा है, यानी आपको उसका तैयारी का मौका मिल जाएगा। तो जी थर्सडे या ट्यूसडे, यानी नेक्स्ट थर्सडे या उससे अगला ट्यूसडे, वो आखिरी हो जाएगा उससे अगला ट्यूसडे, वो वैसे आखिरी वीक होगा। सॉरी थर्सडे ठीक है। अच्छा कितने लोग ट्यूसडे के हक में हैं? थर्सडे तो अगला जो थर्सडे है उसमें आपका फ़ायदा ये है कि कोर्स ज़रा कम होगा, अगले ट्यूसडे में कोर्स ज़रा ज़्यादा हो जाएगा, अगला भी 60 ऐड हो जाएगा। जी
नहीं नहीं, कोर्स को यहाँ तक नहीं रखते, कोर्स उससे पहले वाले तक कंसिडर होगा। तो अगला ट्यूसडे, ट्यूसडे। अच्छा, आप हाथ खड़े करें जो ट्यूसडे के हक में हैं। हाँ, उससे अगला ट्यूसडे, ये वाला नहीं, इससे अगला ट्यूसडे, या ये वाला ट्यूसडे। अच्छा, उससे अगला ट्यूसडे, लास्ट वीक, क्योंकि दो वीक रह गए हैं जी। अच्छा, कितने लोग हैं, हाथ खड़े करें। अच्छा, और थर्सडे के हक में जो लोग हैं। अच्छा, चलें आप, क्या अब पॉपुलेशन कम है तो ट्यूसडे हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो कोशिश हम करेंगे कि हमें कम से कम एक दो लेक्चर्स मिल जाएं जीएसएम को स्टडी करने के, क्योंकि 3G तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम स्टडी करें। तो जीएसएम को स्टडी करने के लिए अगर हमें टाइम मिल जाता है, अगर वो टाइम नहीं भी मिलता तो जीएसएम की स्लाइड्स, क्योंकि जीएसएम एक स्टैंडर्ड है, वो सारी चीज़ें उसी तरह बेसिक्स यही हैं जो हमने डिस्कस कर ली हैं, तो वो जस्ट स्टैंडर्ड है कि फ्रीक्वेंसी कितनी रखी गई, फलां चीज़ कितनी रखी गई, कैसे उसको एडजस्ट किया जाता है। तो फिर भी उस पर मैं एक लेक्चर दे दूँगा। तो मगर ये हमारा तकरीबन लास्ट टॉपिक होगा, जो थ्योरेटिकल लास्ट टॉपिक, वो फेडिंग है। और फेडिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्मॉल स्केल फेडिंग असल में सिग्नल के फेड होने का ज़्यादा सबब होती है, जो सडन चेंजेस आती हैं, सडन फ्लक्चुएशंस जो मौजूद है। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो सडन फ्लक्चुएशंस चैनल के अंदर आती हैं और सिग्नल पावर उससे कम और ज़्यादा हो जाती है, तो इसकी रीज़न मेन क्या है। गौर करें कि अगर कहीं पर एक बस जा रही है, ये मोबाइल स्टेशन है और बेस स्टेशन, तो एक सिग्नल उसे किसी बिल्डिंग से डायफ्रैक्ट होके सिग्नल मिल रहा है, यानी डायफ्रैक्शन लॉस हो रहा है, सिग्नल कुछ उस तरफ, कुछ इस तरफ जा रहा है, कुछ यूं आ रहा है। डायफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन मेनली दोनों एजेस पर है, या इस रिज पर या इस रिज पर मौजूद है, और दूसरा सिग्नल उसे उस गाड़ी से मिल रहा है। अगर ये गाड़ी इस इंस्टेंट पर यहाँ होती है तो उसे ये सिग्नल मिलता है, तो उसे यकदम ही बड़ी स्ट्रांग पावर मिलती है। मगर जब ये गाड़ी यहाँ पर नहीं है तो ये वाला सिग्नल सीधा कहीं और चला जाता है, और ये पाथ फिर एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब ये पाथ एग्जिस्ट नहीं करता तो उसे बड़ी वीक पावर मिल रही होती है। हाँ, हम एज्यूम अभी। तो इसी तरह एक और सिनेरियो भी हो सकता है कि उसे तब बड़ी स्ट्रांग पावर मिल रही हो, और जब यहाँ पर गाड़ी आती है तो उस गाड़ी का जब सिग्नल आता है तो वो गाड़ी काफ़ी दूर है, इसलिए वो काफ़ी डिले के साथ ये सिग्नल पहुँचता है। तो उस डिले के साथ पहुंचने की वजह से, और फिर अगर एक बस है तो उसके जो शीशे हैं वो 15 सेंटीमीटर से काफ़ी बड़े हैं, तो इसलिए उसे बहुत स्ट्रांग, बेहतरीन रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, तो उन रिफ्लेक्टर्स से स्ट्रांग सिग्नल आ जाता है। तो वो स्ट्रांग सिग्नल आके वो नेगेटिवली इसमें ऐड हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव फेडिंग प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से पावर अचानक वीक हो जाती है। मगर जैसे ही वो गाड़ी उस लम्हे नहीं होती फिर, तो वो सिग्नल फिर हाई हो जाता है। इसका मतलब है कि दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं, मगर दोनों सिचुएशन में हम देखते हैं कि फ्लक्चुएशन है, पावर के अंदर फ्लक्चुएशन है, बढ़ना या कम होना, फ्लक्चुएशन मौजूद है। तो अगर फ्लक्चुएशन मौजूद है तो उसकी रीजंस को और हमें मॉडल करना चाहिए। तो उसकी अब देखें, दो रीज़न बड़ी सीधी हैं। एक रीज़न तो ये है कि जब सिग्नल आपस में ऐड होता है, हो सकता है कि जो दूसरा सिग्नल जब तक पहुंचता है, मसलन यही वाला सिग्नल जब तक पहुंचता है हमारा, उतनी देर में इसने, क्योंकि इसका सिंबल रेट अगर ज़्यादा है, तो उसने अगला सिग्नल भेज दिया हो,
तो वो अगला सिग्नल अगर वो नेगेटिवली है तो वो जो इस गाड़ी से हमें सिग्नल मिला या किसी दूर के मल्टीपाथ से जो सिग्नल मिला, तो अगले सिग्नल की इंफॉर्मेशन को ये वाला सिग्नल वो मिक्सअप कर रहा है, यानी पिछले सिग्नल की इंफॉर्मेशन जो अभी चैनल के अंदर चैनल ने उसे स्टोर किया हुआ था, चैनल की मेमोरी में मौजूद था, तो वो सिग्नल वो सबब बन रहा है इंटरफेरेंस का टू द नेक्स्ट सिग्नल, और ये हमारा डिजायर्ड सिग्नल है उसके लिए ये इंटरफेरेंस का सबब बन रहा है। ऐसा इंटरफेरेंस वो इंटर सिंबल इंटरफेरेंस कहलाता है, विद इन द सिंबल्स इंटर सिंबल इंटरफेरेंस ISI। और इस तरह का जो इंटरफेरेंस है, सो व्हाट वुड बी द मेन कॉज बिहाइंड दैट इंटरफेरेंस, मल्टीपाथ। मगर सिग्नल की फ्लक्चुएशन, मसलन एक लम्हे ये इंटरफेरेंस होता है, अगले लम्हे ये इंटरफेरेंस नहीं होता, तो फ्लक्चुएशन का सबब कौन सा है? वो मोबिलिटी, मोबिलिटी बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, द रिलेटिव मोशन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। बट इफ स्टिल बोथ आर स्टेशनरी, स्टिल द मोबिलिटी वुड बी बिटवीन द पाथ, क्योंकि पाथ तो ऑब्जेक्ट से होके आ रहा है, जो मल्टी पाथ्स हैं, तो सिग्नल का पाथ, तो सिग्नल के पाथ के अंदर अगर रिफ्लेक्टर्स या रिफ्रैक्टर्स वो उनमें मोबिलिटी अगर है, तो तब भी हमारे पावर के अंदर फ्लक्चुएशंस होगी। तो दो मेन रीज़न हमें मिलती हैं, एक मल्टीपाथ, एक रीज़न सिग्नल को वीक करने वाली, और दूसरी हमारे पास मोशन है। ये दो रीज़न है। पहले तो रीज़न ज़रा देखें कि जो इनके अलावा कोई तीसरी और इस तरह की रीज़न नहीं है यहाँ पर। दोबारा मैं ज़रा आपको याद दिला दूँ कि हम सडन फ्लक्चुएशंस को वो इस पार्ट के अंदर स्टडी कर रहे हैं, जो जो सिग्नल के फेड होने का जो एक एवरेज बिहेवियर था और लार्ज स्केल बिहेवियर था वो हमने स्टडी कर लिया। सेल को उसकी बेसिस पर डिज़ाइन किया जाता है, लार्ज स्केल बेसिस पर, ये स्मॉल स्केल बेसिस पर सेल्स को डिज़ाइन नहीं किया जाता। जो फ्रीक्वेंसी प्लानिंग वाला यूनिट होता है वो इस पोर्शन को कंसीडर नहीं करता। मगर कौन इस पोर्शन को कंसीडर करता है? आपका जो मोबाइल है तो उसकी सेंसिटिविटी का लेवल इस पर डिपेंड करता है, उसके डाटा रेट का जो लेवल है वो इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि डाटा रेट जब आपका मल्टीपाथ सेम मल्टीपाथ इतना हो के आ रहा है जबकि आपका अगला सिग्नल आ चुका है, तो इसका मतलब है कि आपका अगला सिग्नल इस यहाँ पर नहीं आना चाहिए ताकि इंटर सिंबल इंटरफेरेंस से बच जाए, वो थोड़ा आगे उसके बाद आना चाहिए। तो जब आपने उसको स्लो कर दिया उसके आने को, इसका मतलब है आपने डाटा रेट स्लो कर दिया। तो डाटा रेट को मल्टीपाथ वो लिमिट कर रहा है ये फिनोमिना। मल्टीपाथ को हम कैसे क्वांटिफाई कर सकते हैं, मल्टीपाथ के स्प्रेड को? तो उसे डिले स्प्रेड कहा जाता है, कि हाउ मच द डिले इज स्प्रेडेड, कितना डिले डिलेड सिग्नल हमारे पास आते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो डिलेड सिग्नल होते हैं तो दूर दूर से जो आ रहे होते हैं उनकी पावर इतनी वीक हो चुकी होती है वो कंसीडर के काबिल ही नहीं होते, मगर ये वो डिले स्प्रेड है दैट इज सिग्निफिकेंट, दैट अफेक्ट्स आवर डिजायर्ड सिग्नल। तो वो डिले स्प्रेड हमने कंसीडर करना है। तो डिले स्प्रेड इज वन मेन कॉज, एंड द सेकेंड कॉज फ्रॉम विच वी गेट फ्रॉम द मोबिलिटी, फ्रॉम द रिलेटिव मोबिलिटी बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, दैट इज बेसिकली द डॉपलर, द डॉपलर स्प्रेड। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट,
to know the domains of these spreads. Delay spread as the delay, as it is obvious from the word delay, that would be in time domain. And the Doppler spread would be on the frequency domain. That is the shift in the frequency when the transmitter or receiver or the environment between transmitter and receiver is in motion. And the Doppler spread is proportional to the motion, to the velocity, the relative velocity that exists between transmitter and receiver. जितना मोशन ज़्यादा होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी, उतना हमारे पास डॉपलर स्प्रेड ज़्यादा होगा. एक तो ये क्लियर हो गया. और जी एंगल, बिल्कुल वो एंगल पर भी डिपेंड करता है, मगर अभी तो हम सीधी सी बात के मोशन बड़ी इम्पॉर्टेंट है, कि मोशन वो अगर है तो हमारे पास डॉपलर होगा. और दूसरा हमारे पास जो डिले स्प्रेड है तो वो प्रोपेगेशन में नंबर ऑफ मल्टीपास पर डिपेंड करेगा और उनकी लोकेशंस पर डिपेंड करेगा कि वो कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं. तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास एक्सटेंट पे हैं. डॉपलर को अगर हम स्टडी करें, मसलन कुछ लोगों के लिए शायद डॉपलर का वर्ड ज़रा नया हो, तो FSC में भी डॉपलर मौजूद है, उसके बाद ऑनवर्ड भी डॉपलर का कहीं ना कहीं ज़िक्र होता है. तो डॉपलर का एक आसान सा अंदाज़ा वो किया जा सकता है कि अगर एक सायरन बजाती हुई गाड़ी आपकी तरफ आ रही हो और 1 किलोमीटर दूर हो आपसे, आप सड़क के किनारे खड़े हैं, एम्बुलेंस आ रही है, सायरन बजा रही है, 1 किलोमीटर वो दूर है, उसकी आवाज़ को अपने जहन में नोट कर लें, स्टोर कर लें, और फिर जब वो गाड़ी आपसे गुजर के तो वो सड़क पर आगे जा रही हो और वो फिर 1 किलोमीटर ही आपसे दूर हो, तो उसकी आवाज़ को उस वक्त नोट करें. जब वो आ रही थी उसकी आवाज़ आपको चुभती हुई महसूस हो रही होगी, मगर जब वो जा रही है तो उसकी आवाज़ आपको चुभती हुई महसूस नहीं हो रही, रिलैक्स महसूस हो रही होगी, उतने ही फासले पर है आपसे. तो असल में ये रीज़न इसकी क्या है, क्योंकि जब गाड़ी आपकी तरफ आ रही है तो जो सिग्नल्स वो आपको भेज रही है, तो क्योंकि गाड़ी मोशन के साथ है तो जो सिग्नल आपको भेज रही है वो सिग्नल कंप्रेस हो रहे हैं. जब सिग्नल कंप्रेस हो रहे हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और जब गाड़ी आपसे परे जा रही है तो वो सिग्नल रिलैक्स हो रहे हैं, स्ट्रेच हो रहे हैं. तो जब वो रिलैक्स हो रहे हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है. और इसका एक एक्सपेरिमेंट साइंस म्यूज़ियम UET लाहौर में, जो साइंस म्यूज़ियम है वहाँ पर मौजूद है. तो वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो घूमता है, तो आप 3 जगह से उसे सुनते हैं. तो जब वो ऑब्जेक्ट सायरन बजाता हुआ आपकी तरफ आता है आपको शदीद आवाज़ महसूस होती है, जब परे जा रहा होता है तो आपको बड़ी कम मध्यम आवाज़ महसूस होती है. हालांकि एम्पलीट्यूड आवाज़ का एक ही है, एम्पलीट्यूड सेम है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी जो होती है, और ख़ास तौर पर जब ऑडियो फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो वो चुभती हुई आवाज़ होती है. ऑडियो फ्रीक्वेंसी जब कम होती है तो वो चुभती हुई आवाज़ नहीं होती. तो खैर, ये तो हमारे पास डॉपलर है. तो अब एक छोटा सा सिंपल सा एक मैं आपको मॉडल यहाँ पर बना के देता हूँ, और ये जहन नशीन आप कर लें तो ये पूरा जो चैप्टर है हमारा तो ये इजीली फिर हो सकता है उसकी बेसिस पर. यानी 2 छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट हैं, और अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो पूरा चैप्टर फिर समझ में नहीं आएगा. ये बड़ा इम्पोर्टेंट. गौर करें कि अगर किसी को थप्पड़ मारा जाए, कम्युनिकेशन के साथ उसका इतना ताल्लुक नहीं है, तो बहरहाल फिर भी अगर किसी को थप्पड़ मारा जाए तो रिएक्शन तो जो भी उसने करना है, तो थप्पड़ एक कॉज है जो आपने किया, उसका कोई अफेक्ट ज़रूर होगा, ठीक है. तो वो अफेक्ट वो बंदा आपको बता सकता है. अब गौर करें कि अगर कोई आपने थप्पड़ मारा है, कोई कॉज हुआ है, तो उसका जो अफेक्ट है
उसको अब हमें क्वांटिफाई करने के लिए क्वांटिफायर की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर देखें थप्पड़ आस्ता मारा है, ज़ोर से मारा है, उसका इफ़ेक्ट आगे शिद्दत उसकी बताएगा। तो कॉज के बाद उसका इफ़ेक्ट, वो इफ़ेक्ट कितना सीवियर है उसके लिए क्वांटिफायर है। ये तीन चीज़ें हैं, क्वांटिफायर यानी उसकी शिद्दत क्या है। अब इसी तरह का हमारे पास डिले स्प्रेड है, नहीं तो कॉज खुद ही क्वांटिफाई हो जाएगा, क्योंकि कॉज इफेक्ट उसका जैसा निकलेगा तो कॉज क्वांटिफाई हो जाएगा। ठीक है, अगर इफेक्ट आगे बंदा रोने लगा है, इसका मतलब है थप्पड़ ज़्यादा शदीद था, तो क्वांटिफायर असल में हमें कॉज की शिद्दत के बारे में बताएगा और इफेक्ट के बारे में भी बताएगा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो मेरा ख्याल है कि आगे आपको ये दोनों मॉडल आसानी के साथ याद रहेंगे। डिले स्प्रेड अगेन इज द मेन कॉज फॉर इंटरसिंबल इंटरफेरेंस। डिले स्प्रेड होगा, इंटरसिंबल इंटरफेरेंस उसका इफेक्ट है, तो इंटरसिंबल इंटरफेरेंस हमारे पास आएगा। सिंबल आपस में इंटरफियर करेंगे, और इसका जो क्वांटिफायर है ये तो इफेक्ट हुआ, अब इसका क्वांटिफायर वो इस पे डिपेंड करेगा और इसके इनवर्स होगा क्वांटिफायर, तो इसके इनवर्स। और फिर अगर इसकी डोमेन वो टाइम डोमेन की है, मतलब डिले स्प्रेड की कौन सी डोमेन है, वो टाइम की है, तो क्वांटिफायर की डोमेन फ्रीक्वेंसी की होगी, दूसरी डोमेन होगी, क्योंकि उसका इनवर्स टाइम का इनवर्स फिर फ्रीक्वेंसी हो सकती है। और ये इस केस में इस क्वांटिफायर का नाम है कोहेरेंस बैंडविड्थ। कोहेरेंस बैंडविड्थ इसको हम बी सी से स्टडी करते हैं, डिनोट करते हैं बी सी। अब गौर करें, टाइम डोमेन में डिले स्प्रेड है, उसका जो क्वांटिफायर है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, बैंडविड्थ है तो बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, और जो इफेक्ट है आईएसआई कोई ना कोई इफेक्ट मौजूद है, तो इस इफेक्ट को ये क्वांटिफाई करेगा ऑन द बेसिस ऑफ सम वैल्यू, द क्वांटिफाइंग वैल्यू फ्रॉम द कॉज। मसलन अगर हमारे सिग्नल की जो बैंडविड्थ है अगर वो ज्यादा हो कोहेरेंस बैंडविड्थ से, देयर वुड बी आईएसआई। ठीक है, अगर हमारे सिग्नल की बैंडविड्थ वो लेसर देन, चले इसको इक्वल एक जगह इक्वल लगाना है इसके साथ लगा दिया, अगर वो लेसर देन बी सी है या इसके साथ लगा दें चले, तो देयर वुड बी नो आईएसआई। उस इफेक्ट को क्वांटिफाई कर दिया इसने बेस्ड अपॉन सम नॉलेज फ्रॉम द कॉज। कॉज का जो नॉलेज है वो क्या है, बी सी। और डिले स्प्रेड की जब मेजरमेंट्स हम करेंगे तो उसमें सिग्मा टॉ इज द स्प्रेड ऑफ द डिले and that is the standard deviation of the delay spread। क्योंकि जब भी आपके पास कोई uncertain parameter आएगा, कोई stochastic process होगा, तो उसका कोई variance होगा और उस variance का under root standard deviation है, तो जो BC है तो वो inversely proportional है उस delay spread के। और इसके फिर आगे rule of thumb formulas हैं, एग्जैक्ट फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता मगर वो हम आगे स्टडी करेंगे। तो क्वांटिफायर, तो इस बी सी की
मदद से आप फिर देखेंगे अगर बैंडविड्थ उस सिस्टम की वो ज़्यादा हो इस बीसी से, इसका मतलब है कि आईएसआई होगी, ठीक है। ये तो बैंडविड्थ, अब जितनी बैंडविड्थ है तो उसी हिसाब से हमारे पास फिर इसका मतलब है कि डाटा रेट भी उसी हिसाब से होता है, बैंडविड्थ ज़्यादा होती है तो डाटा रेट ज़्यादा होता है। तो बिल्कुल वही चीज़ हम उसी में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डाटा रेट। तो कोहेरेंस रेट को डिफाइन कर सकते हैं उसी तरह, तो जिस तरह बीसी इसके साथ प्रोपोर्शनल था, क्योंकि मॉड्यूलेशन वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो फिक्स्ड क्वांटिटीज़ हैं, तो इसलिए कोहेरेंस रेट भी उसी के साथ प्रोपोर्शनल है। तो सिंबल रेट अगर हमारा ज़्यादा हो कोहेरेंस रेट से तब आईएसआई होगा, और अगर सिंबल रेट हमारा कम हो कोहेरेंस रेट से तो तब कोई आईएसआई नहीं होगा। अब बीसी या आरसी किस पर डिपेंड करता है? वो डिले स्प्रेड पर डिपेंड करता है, इसका मतलब है प्रोपेगेशन एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है, प्रोपेगेशन एनवायरनमेंट पर। तो प्रोपेगेशन एनवायरनमेंट हमारा चैनल है, इसका मतलब है कि चैनल ने हमें एक सिंबल रेट प्रोवाइड कर दिया, लिमिट दे दी, अगर उससे ज़्यादा लिमिट हमने यूज़ करनी है तो वो गुजरने नहीं देगा, वो उसको करप्ट कर देगा। तो इसकी एक मैं मिसाल देता हूँ कि हम कोई तीन चार बंदे अगर आएँ और इस दरवाज़े से गुजरना चाहें, चार पांच बंदे पैरेलल में खड़े होके और चाहें, तो दरवाज़ा गेट जो हो वो दो बंदों के बराबर हो, तो फिर क्या होगा? ये वाले हिस्से गुजरने से रह जाएंगे, डाटा करप्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि हम अगर हम पैरेलल खड़े होते हैं तो हमारी विड्थ इस दरवाज़े की विड्थ से कम या इक्वल एटलीस्ट हो। तो ये वही चीज़ है कि एक गेट दे दिया हमें चैनल ने, और चैनल ने बेस्ड अपॉन इट्स प्रोपेगेशन एनवायरनमेंट, अगर फ्लैट रूरल एरिया होगा, फ्लैट एरिया, तो वहाँ डिले स्प्रेड बहुत हमें इन्फिनिटी तक तकरीबन या ले जाएगा, और वो इग्नोरेबल डिलेज होंगे, और जो सिग्निफिकेंट डिले होगा वो इंतहाई कम होगा, सिग्निफिकेंट डिले। तो सिग्निफिकेंट डिले जब कम होगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड रिफ्लेक्शन का डिले हो सकता है, तो तब फिर हमारे पास ये वाला फैक्टर छोटा हो गया तो हमें खुला गेट मिलेगा, यानी कोहेरेंस बैंडविड्थ बड़ी मिलेगी, चैनल की बैंडविड्थ बड़ी मिलेगी, तो हम फिर अपनी बैंडविड्थ ज़्यादा रख सकते हैं सिग्नल की, लिमिट कर दिया गया हमें। अब मोशन मोबिलिटी, वो भी बिल्कुल इसी के साथ, सिर्फ हमने वो चेंज करना है, डिले स्प्रेड की जगह पर अब हम क्या लगा रहे हैं? डॉपलर स्प्रेड। तो डॉपलर स्प्रेड, ये डोमेन इसकी क्या है? फ्रीक्वेंसी। और डॉपलर स्प्रेड का एफ डी कोई फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अब क्वांटिफायर जो होगा वो फ्रीक्वेंसी में नहीं होगा बल्कि किस में होगा? वो टाइम में होगा, और ये हमारे पास कोहेरेंस टाइम आ जाएगा अब, और ये टीसी, और ये मैक्सिमम डॉपलर पर डिपेंड करेगा, जो मैक्सिमम डॉपलर हमारे पास शिफ्ट है। और इसका क्योंकि ताल्लुक किसके साथ है? फ्लक्चुएशंस के साथ, जैसे हमने डिस्कस किया था, दो ही मसले हैं, एक आईएसआई है, एक फ्लक्चुएशंस है, चैनल के अंदर फ्लक्चुएशन, पावर के अंदर, रिसीव पावर के अंदर फ्लक्चुएशंस। तो फ्लक्चुएशन के साथ इसका ताल्लुक है, इसका मतलब है कि इसका ताल्लुक टाइम वेरिएशन इन द चैनल के साथ है। फ्लक्चुएशन बेसिकली टाइम वेरिएशन हम उसको कहते हैं, तो टाइम वेरिएशन, तो चैनल्स टाइम वेरिएशन। तो वही चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा मैंने चेंज नहीं किया। अब उसी तरह ये टी सी है, तो हमारे पास फिर इस कंपैरिजन फिर टाइम डोमेन पे ही आएगा, क्योंकि पहले फ्रीक्वेंसी डोमेन का कंपैरिजन था। इसका मतलब है टी एस इज़ द सिग्नल ड्यूरेशन और द सिंबल ड्यूरेशन,
इन अ डिजिटल फॉर्म सिंबल ड्यूरेशन. तो सिंबल ड्यूरेशन इफ इज ग्रेटर देन द कोहरेंस टाइम देन देयर वुड बी टाइम वेरिएशन इन द चैनल. In other words, unstable channel, that it is basically not unstable term that is used in control systems. Control system mein to unstable ka matlab hai ki wo fail ho gaya, wo pura system hi fail ho gaya. Aisa nahi hai. Yahan unstable ka matlab ki usme highly time variant hai. Theek hai? Still it is usable. Yani us sense mein isko na use kare. To isliye main kehta hu ki time variant channel. चले हाईली टाइम वेरिएंट चैनल, वरना अनस्टेबल चैनल भी इसे हम कहते हैं. इसी तरह अगर टी एस इज लेसर देन टी सी देन दैट वुड बी फिक्स्ड चैनल या फिर टाइम इन वेरिएंट चैनल. टाइम इन वेरिएंट चैनल, इन वेरिएंट चैनल इसका मतलब है कि चैनल चेंज नहीं होता, तेजी के साथ पावर कम और ज्यादा नहीं होगी, काफी हद तक पावर काफी देर तक कांस्टेंट रहेगी. ठीक है, तो वही चीज सारी. तो ये जरा समझना है आपने. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम इनको डिस्कस करेंगे. जी जी, हाँ हाँ हाँ, तो वो जब हाँ हाँ बिल्कुल उस कॉन्सेप्ट के साथ मिक्स हो रहा है. गौर करें कि अगर हम इस काबिल नहीं हैं कि हम इसका जो जो मल्टीपाथ का जो डिले है इनको इन फेज नहीं कर सकते, तो वो फ्रेंड तो नहीं होगा. मगर जब हम उनको इन फेज कर सकेंगे तब वो फ्रेंड हो जाएगा. तो वो पेपर असल में रेक रिसीवर की बेसिस पर है कि जब इन फेज हम कर देते हैं कंपोनेंट्स को, तब तो हम फिर पावर को इंक्रीज कर सकते हैं. मगर कब तक हम इन फेज उसे कर सकते हैं, गौर करें कि जब तक नेक्स्ट सिंबल नहीं आया होता, क्योंकि नेक्स्ट सिंबल तो पिछले सिंबल के साथ इन फेज नहीं हो सकता. इसका मतलब है डाटा रेट अगर कम रखें तब तो इन फेज कर सकते हैं. तो फिर तो वही मसला आया कि डाटा रेट आपने कम रखना है जैसे पहले था, फिर नो आया ऐसा ही. हाँ हाँ, तो जस्ट एक स्लाइड हम जरा देखते हैं. वो वही स्लाइड है. एक तीसरी चीज है जो हम यहाँ पर उसको यानी हमने डिस्कस नहीं किया, वो है, और वो अभी इस लेवल पर नहीं है. तो वो तीसरी चीज असल में एंगुलर स्प्रेड है. अगर एंगुलर स्प्रेड मौजूद हो तो उसका ज़्यादा इशू माइमो में और एसडीएमए सिस्टम्स पे होता है. तो वहाँ पर फिर हमारे पास स्कैटरिंग फिनोमिना के अंदर अनस्टेबिलिटी आती है. तो वो एक अलग इशू है जो हमारे इसमें नहीं है शामिल, आपके इस कोर्स में भी वो नहीं है. तो मोबाइल चैनल पैरामीटर्स हमारे पास, टाइम डिले स्प्रेड, देन कोहरेंस बैंडविड्थ इज इट्स क्वांटिफायर, एंड द इफेक्ट इज ISI. और उसको फिर हम दो किस्म के चैनल्स पर यानी उसको क्लासिफाई कर सकते हैं. द फेडिंग कैन बी क्लासिफाइड इफ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम डिले स्प्रेड देन इनटू टू टाइप्स. वन इज द फ्लैट फेडिंग when there is no ISI, that is known as flat fading. कोई fading नहीं हो रही, flat है. और अगर ISI है तो जब bandwidth, signal की bandwidth वो coherence bandwidth से बढ़ जाए तब हमारे पास frequency selective fading होगी. frequency selective बिल्कुल उसी तरह जैसे ये दरवाज़ा है, frequency bandwidth है that is available फ्राम द चैनल. और काफ़ी लोग आते हैं, अब जो लोग उसके सामने हैं वो तो गुजर गए, और जो इधर वाले हैं उनको दरवाजे ने सिलेक्टिविटी दे दी कि भाई तुम लोग तो नहीं गुजर सकते. तो ये सिलेक्टिविटी है, दैट इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फेडिंग. एंड देन इफ वी क्लासीफाई द फेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ मोशन और डॉपलर स्प्रेड देन इट हैज़ टू टाइप्स. द वन is the fast fading
when the channel is highly time variant, that is fast fading, तेजी के साथ signal fade out हो रहा है, कभी signal की power up होती है, कभी बहुत तेजी के साथ down होती है, that is fast fading, and when the channel is time invariant, then the fading can be considered slow fading. यानी काफ़ी देर के बाद, काफ़ी सिंबल्स के बाद महसूस होता है कि पावर कम हुई है या ज़्यादा हुई है. तो ये पूरी जो कहानी है वो हमारे पास इसी स्लाइड पर मौजूद है, जो कि हमने अगले इस पूरे वीक में स्टडी करना है उसे, अगले वीक में. थैंक यू.